आज आज उपल के चौरसे के ऊपर रोड वाइंडिंग में यहाँ पर महबूब सुबानी के छिल्ले को निशाना बनाया जा रहा था। इसकी इतला सदर मोहतरम नकीब मिलत अलहाज बरेशर असदुद्दीन अवैसी साहब को मिलते ही सदर मोहतरम ने बल्दिया कमिश्नर लोकेश कुमार साहब और पुलिस के आला अहदेदारों से और जोनल कमिश्नर से बात करके इसको रुकवा दिया गया है। और जल्द से जल्द जो महबूब सुबानी का जो छिल्ले मुबारक था, जो उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, उसका भी मलबा हटाकर छिल्ला पहले जैसा था वैसी रहेगा अभी। और मैं इस मौके के ऊपर यही बोलना चाह रहा हूँ कि बल्दिया के अहदेदारों को भी जल्द से जल्द वो लोग सामने का जो मलबा है वो हटाकर उसको जैसा पहले था छिल्ला वैसी करना ज़रूरी है, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा शहर को अमन रहने के लिए और सदर मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बरेशर असदुद्दीन अवैसी साहब ने आज दिल्ली में पार्लियामेंट में रहते बावजूद भी पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, फिर भी जीएचएमसी कमिश्नर और पुलिस के आला अहदेदार और जोनल कमिश्नर से बात करके इसको रुकवाने लगाए हैं। मैं इस ताल्लुक से सदर मोहतरम का शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ। अभी मैं यहाँ पर आए बाद मुझे सदर मोहतरम की हिदायत के ऊपर मैं यहाँ पर आया, यहाँ का मायना भी करा और एलबी नगर पीएस में भी एक कंप्लेंट दे रहे हैं हम, और जोनल कमिश्नर से भी मुझे सदर मोहतरम की हिदायत है, मैं जोनल कमिश्नर साहब से मिलूँगा और छिल्ले को कोई किस्म का नुकसान नहीं होगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सदर मोहतरम की नुमाइंदगी के ऊपर छिल्ला जैसा है अच्छे तरह से वैसी रहेगा, और यहाँ की मुकामी तौर पर जो रिजल्ट रिपोर्ट है वो रिपोर्ट सदर मोहतरम नसीब मिलत आहाज बरसर जी। मेरा नाम सायरा फातिमा है, हम यहाँ उपल के मुखामी हैं और हमारा घर के सामने जो है छिल्ला था उसको बेरहमी से एकदम तोड़ा गया। हम जीएचएमसी तकरीबन ये 60 साल से है, हम लगा कितना भी रोके कोशिश करे पर जीएचएमसी वाले रुके नहीं। जेंट्स में कोई यहाँ पर कोई जेंट्स नहीं है हमारे पास, हम पूरे औरतें हैं, बेवायाँ जी रहे हैं यहाँ पर, बच्चे हैं उनको, और इन लोग बेरहमी से हम लोगों को छिल्ला तोड़ के चले गए। पहले कोई नोटिस नोटिस दिए लेकिन छिल्ला नहीं तोड़ते बोले जी, छिल्ला नहीं तोड़ते बोले, हाथ भी नहीं लगाते बोले, लेकिन छिल्ला भी तोड़ दिए, गौसे पाक का झंडा भी तोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दे तोड़ दे के चले गए। दरगाह की कमान थी, दरगाह की कमान थी, दरगाह का कमान भी तोड़ दिए। और नोटिस हमको 9 तारीख ही दिए थे वो लोग, आज 2 तारीख है, जो नौ जीएचएमसी वाले बोले कि 9 तारीख तक हम टाइम दे रहे बोल के बोले थे, लेकिन आज अचानक सुबह में शुरू कर दिए। कितने साल से? तकरीबन 70 साल से पहले है। कौन तोड़े, कौन निकाले ये झंडा? ये जीएचएमसी बुलडोजर लेके आए और जीएचएमसी वाले तोड़ दिए। कितने बजे का वाकया है ये? सुबह 10:30-11 बजे की वाकया है। कौन सा एरिया है ये? उपल चौरस्ता है ये, पीएस के सामने। पीएस के सामने आप यहाँ पे रहते हैं? जी हाँ, हम पूरा मुखामी है यहाँ के। जी होता है, ये दरगाह का अरूस होता है, ये दरगाह सैयद अब्दुल्ला मिशी साहब बाबा की दरगाह है ये, जो कदीम है। 7 भाया हैं ये लोग, एक गडकसर में आते, कौशापुर में आते, एक पीछे आते चौरस्ते पे, एक ये है कल्याणपुरी की है और एक राजलक्ष्मी थिएटर के पीछे है, पूरे 7 भाया हैं लोग। మొత్తం మా సమాజంలోకి స్థలం లేకుండా మాకు ఇటు పోనీయకుండా చేసేసాడు, ఇటు సైడ్ అటు సైడ్ రెండు కన్ఫ్యూజ్. ఇది కూడా ఈ గోడ కూడా మాకు మైనార్ క్రిస్టియన్లకు వచ్చిన 26 లక్షలతోటి వాళ్ళే కట్టించేశారు రాత్రి రాత్రిలో, మాకు ఒక మాట కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పలేదు, ఏం చేయలేదు. మైనారిటీ ఫండ్స్